हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ एंटीकोएगुलेंट वायल्स। मैं आपको बताने जा रही हूँ आज कि कौन से ट्यूब में किस टेस्ट के लिए हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और कौन कौन से टेस्ट उन वायल्स में के द्वारा होते हैं। सो फर्स्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ ई डी टी ए। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलीन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये होता है ईडीटीए वायल। आप देख सकते हैं इसका जो कैप है ये पर्पल कलर का होता है, इसे हम ईडीटीए ट्यूब या ईडीटीए वाल्स बोलते हैं। इसमें हम ब्लड की क्वांटिटी 2 ml इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। और इस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके द्वारा हम कौन कौन से टेस्ट का सैंपल इसमें ले सकते हैं। जो फर्स्ट में है सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट। इसमें इसके पैरामीटर्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी सभी इसमें आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट है आरएच फैक्टर भी। उसके बाद है ब्लड ग्रुप, उसके बाद है वायरल मार्कर का भी सैंपल हम ईडीटीए ट्यूब में ही लेते हैं। ट्रॉप्टी के भी सैंपल हम ईडीटीए ट्यूब में ही ले सकते हैं। प्लेटलेट्स काउंट्स के लिए भी हम सैंपल ले सकते हैं। और HbA1c के लिए भी, HbA1c ये शुगर के लिए टेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट में सेकेंड में मैं आपको बताने जा रही हूँ टेन ट्यूब। जो कि रेड कलर का होता है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये होता है प्लेन ट्यूब। इसका जो कैप है आप देख सकते हैं ये रेड कलर का है। अब मैं आपको बताऊँगी इसमें कौन कौन से टेस्ट के लिए हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं LFT के लिए, इसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। एंड सेकेंड है KFT, इसको हम अदर नेम से RFT भी जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है KFT का किडनी फंक्शन टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, और RFT का फुल फॉर्म होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। एंड नेक्स्ट वंस इलेक्ट्रोलाइट्स का भी टेस्ट हम कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोफाइल के लिए टेस्ट होता है। इसके बाद है क्रिएटिनिन, उसके बाद है SGOT एंड SGPT। तो फ्रेंड्स, ये SGOT एंड SGPT एक एंजाइम होता है जो हमारा लीवर सीक्रेट करता है। अगर हमारे लीवर में कोई भी इन्फेक्शन कॉज होता है तो हम ये टेस्ट कराते हैं, जिससे हमारे लीवर में जो इन्फेक्शन कॉज है वो हमें ईजली पता चल जाता है। उसके बाद एमपी फुल फॉर्म होता है मलेरियल पैरासाइट। उसके बाद हम टाइफाइड के लिए भी इसमें सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, टाइफाइड।
HIV के लिए भी, CRP के लिए भी। CRP का फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन, और यूरिक एसिड के लिए भी। और सीरम बिलिरुबिन के लिए भी इसमें सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। अब इसके बाद है, मैं आपको बताने जा रही हूँ सोडियम सिट्रेट वायल्स। थर्ड में है सोडियम सिट्रेट ट्यूब। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है सोडियम सिट्रेट ट्यूब। इसका जो कैप है ये ब्लू कलर का है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से टेस्ट के लिए हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट में हो गया INR। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मल रेशियो या रेट। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो या रेट। एंड सेकेंड में PT, प्रोथ्रॉम्बिन टाइम। जो 9 से 12 सेकेंड का होता है। और थर्ड में APTT, इसका फुल फॉर्म होता है एक्यूट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टी टाइम, थ्रोम्बोप्लास्टी टाइम। APTT का फुल फॉर्म होता है एक्यूट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टी टाइम। एंड थर्ड में ESR के लिए इसमें सैंपल लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो फ्रेंड, मैंने आप सभी को पढ़ाया एंटीकोगुलेंट्स वायल्स। इसमें फर्स्ट था ADTA, जिसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो मैंने आप सभी को बताया कि इस ट्यूब में हम सैंपल ले सकते हैं जो जो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वो ये सब टेस्ट हैं। CBC हो गया, RS फैक्टर हो गया, ब्लड ग्रुप के लिए वायरल मार्कर, ड्रॉप टी प्लेटलेट्स काउंट्स, HbA1c, और सेकेंड में था प्लेन ट्यूब। ये रेड कलर का ट्यूब होता है, इसमें हम सैंपल ले सकते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। LFT, KFT, RFT, इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल, क्रिटिनिन, SGOT, SGPT, मैरेलियर पैरासाइट, स्टाइफिडॉट, HIV, यूरिक एसिड, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम बिलिरुबिन। एंड थर्ड में मैंने आपको बताया सोडियम सिट्रेट। ये ब्लू कलर का वायर होता है, जिसमें हम सैंपल लेते हैं INR के लिए, PT के लिए, APTT के लिए, ESR के लिए। आई होप फ्रेंड, आप सभी को ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।